Hi guys, so today Jabardasti pattern came in the market. So now I will just, you know, we can just see what can happen tomorrow. So tomorrow logic is, ek to Friday, tomorrow is Friday. So Friday normally the market is like very silent or maybe something violent will happen. Likewise it happens. And last Friday also you saw, kya hua? Ab dekhte, kal ka Friday, so tomorrow's Friday. First I will teach you the technicality in English and then Hindi. And the same thing what I'm teaching in Nifty. सेम बैंक निफ्टी में भी क्योंकि वन लाइनर सीपीआर है. सो टुमारो द सीपीआर इट इज वन लाइनर सीपीआर एंड यू कैन सी दैट डिस्टेंस बिटवीन एस वन एंड प्रीवियस डे हाई लाइन इज वेरी क्लोज टू ईच अदर. डिस्टेंस बिटवीन एस वन एंड प्रीवियस डे लो लाइन इज वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो व्हेनेवर दिस सिचुएशन हैपेंस, इफ द कैंडल इज ओपनिंग अबव दिस अ गुड ट्रेंड कैन हैपन ऑन द टॉप. इफ द कैंडल इज ओपनिंग बिलो दिस अ गुड ट्रेंड कैन हैपन एट द बॉटम. दैट इज व्हाट हैपेंस इन वन लाइनर सीपीआर. That is the first logic. And agar if the candle is in between this lines, that means a high up, high down, high up, high down. Like that, the possibility is there. Means it will be range bound. That was the scenario. That is your second logic. Third logic is, if the candle is opening over here, if it doesn't break this line, 50% is your first target. Then CPR is your second target. If the candle is opening somewhere over here, if it doesn't break S1, 50% first target, CPR second target. That's the logic, simple. But whenever this situation happens, if the candle is opening somewhere over here, it will trend to touch from previous day low line to previous day high line. So 70 to 80% of time it does. Or else if the candle is opening over here, it's going to break. If it doesn't break that point, 70% of time chances are there it will touch the previous day low line. Here. So that's what happens on one liner CPR. One liner CPR also, it's very dangerous. So if it just breaks this line, then only the big rally. If it breaks this line, big rally. Or else it will come down. It will play between this goal. That's all. It's going to play between this range only tomorrow. That's what I feel. Okay. So the same logic, abhi Hindi mein sikhata hun. Ye kya isko bolte patla CPR. Jab patla CPR hota hai, barabar, agar candle iske upar open hua, तो समझना तेजी आएगी. अगर कैंडल इसके नीचे ओपन हुआ कल तो तेजी आएगी, ठीक है. अगर कैंडल इसके अंदर ओपन हो गया इधर और कैंडल अगर यहां पे ओपन हो गया तो तेज पत्ता खाने मिलेगा, तो तेज का पत्ता खाने मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, खाली ऊपर नीचे टाइम पास करेगा, ये होता है. सो यहां पे अगर कल कैंडल यहां पे ओपन हुआ और कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया तो सीपीआर आ जाएगा. और कैंडल यहां पे ओपन हुआ, उसने एस वन को ब्रेक नहीं किया, तो ये 50% पकड़ना पहला टारगेट, फिर ये आपका दूसरा टारगेट होएगा. सेम यहाँ पे भी 50% और नीचे ऐसे ही होएगा. और पूरा दिन अगर कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया तो समझ जाने का, जब तक इस लाइन को तोड़ता नहीं है या कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, जब तक इस लाइन को तोड़ेगा नहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब जल्दी से ऊपर जल्दी से नीचे और मेरा प्रवचन, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, बस और कुछ नहीं. ओके, दैट इज वॉट द सेम, ये जो मैंने सिखाया ये सेम लॉजिक बैंक निफ्टी में भी वही है, वो भी ऑनलाइनर सीपीआर है. तो ये है टेक्निकली क्या मार्केट बोलना चाहता है. शैंकेकली बताता हूं थोड़े टाइम के बाद. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर ऊपर गया 21686 अच्छा रेजिस्टेंस है, 21822 अच्छा रेजिस्टेंस है, या 22 ऊपर गया तो, और नीचे गिरा तो 21500 या 21220 इज अवेलेबल टू वॉच नीचे आया तो इन निफ्टी. और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में भी सेम लॉजिक है, कुछ नहीं है, असेंडिंग है सीपीआर, उसका भी असेंडिंग ही है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वन लाइनर ही हो. तो बैंक निफ्टी में ऊपर गया तो 48, उसको भी तोड़ के ऊपर गया तो देखते, और नीचे गया तो 47 साइकोलॉजिकल या 46407, ये लॉजिक है बस. सो दैट इज अ टेक्निकली व्हाट यू नो, लाइक व्हाट आर द मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी. सो नाउ आई विल टीच यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, कोई बेल मार रहा है तो दो मिनट रुकना, आता हूं. सो लाइक गाइस, पॉज इन द मार्केट इज वेरी डेंजरस, वैसे पॉज इन शैंकेस रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. सो टुमारो सी, दिस इज अ
टुमोरोज पैटर्न इज वेरी सिंपल, कोई ज्यादा दिमाग नहीं। और लास्ट में एक छोटा सा डिस्काउंट बस। सो टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्लेन प्लेन एंड पैटर्न। सो टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्लेन एंड पैटर्न। बट यस सी गाइस, टुमारो आई डोंट नो वेदर इट हैपेंस और नॉट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड गैप अप। मेरे हिसाब से शैंकी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड गैप अप, लेकिन मार्केट पागल है, वो गिर भी गया तो भी कुछ अच्छा मिल जाएगा, दैट्स ऑल आई फील। बट मेरे को लग रहा है कि एक बड़ा गैप अप मारेगा ऐसा संभावना है। बट भावना अभी वैसे भी ये तो 9 बजे का वीडियो है, तो अगर कल गैप अप होता है गैप डाउन होता है किसको क्या फर्क गिरता है। हाँ अगर कल अच्छा गैप अप हो गया गैप डाउन हो गया, मेरे को तो लगता है गैप अप होएगा, देखते हैं अभी। तो मे बी अपना एसपी आग लगा देगा, ब्लैक पैंथर सब आग लगा देगा, ब्लू पैंथर एंड ऑल। एंड द नेक्स्ट गेम इज अपना काजू, अगर किसके पास पड़ा है तो क्या पता कल वापिस डबल राजू ना हो जाए, दैट्स व्हाट आई फील। एंड अंधविश्वासी मत बनो, ये डायग्राम एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा नहीं होगा उसके लिए लाइव में देखना 9/7 को कि मेरा प्रवचन में क्या चालू है। अगर थोड़ा मतलब प्रवचन में अगर आवाज में ताकत है तो समझना कुछ मिलेगा या तो कुछ नहीं मिलेगा, इज इट क्लियर। और जेल बार को देखते रहो, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो जेल बार पे ध्यान दो, हायर टाइम फ्रेम में जेल बार डालो और देखो आपको खुद समझ जाएगा कि क्या बोलता है हमारा जेल बार। तो दैट्स ऑल गाइस, इफ यू आर फीलिंग दैट द मार्केट इज साइडवे, बेटर फॉलो द सेमिनार लॉजिक्स, और कुछ नहीं आता है तो काजू है, दैट्स व्हाट आई फील। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, काजू इज देयर टू सेव यू। एंड द वन हू हैज टेकन अ काजू टुडे, ऑब्वियसली यू सॉ काजू बिकेम अ राजू। एंड देन इन हम्प्टी डम्प्टी निफ्टी वाज एट 21650 was our Humpty Dumpty level, it was at 9, it jumped to 65, that's all, aur kya chahiye. So pura din roya and end of the day 2 baje ke baad hi koi movement aaya. So always remember, if the market is not moving it is going in a range, if the market is not moving, if the market is going like in the range to ek breakout ya breakdown hota hai. Agar wo din pura so gaya pura din to samjhna kal kuch naya item chalu hoga. And don't be andhavishwasi, ye hai, dekhte kal kya hota hai market, subah dekhte. And yeah, as usual, अपना फेवरेट मेरा ब्लैक पैंथर, और क्या बोलूं मैं, ब्लैक पैंथर तो कोई टेंशन नहीं है, चाहे मार्केट मरे या किधर भी जाए, that's what I can tell. As well as 12 days, still 12 days left for Goa seminar. So offline seats are filling very fast. Online तो ठीक है, कोई issue नहीं बना, offline जल्दी भर रहा है, तो गर्दी ना बहुत गर्दी हो गया already. देखते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या होता है. So that's all for the days, guys. Meet you tomorrow, right? 9/7 अभी मैंने बोला गैप अप होएगा गैप डाउन होगा, कुछ नहीं होएगा तो मुंह अपना मुंह खोल के मत बैठना, हाँ गैप अप बोला था गैप डाउन होता, बाजार पागल है तो देखते हैं, अगर पागलपंती किया तो बहुत अच्छी बात है। बाय, सी यू। एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो क्या आज हम्प्टी डम्प्टी ने कुछ दिया और काजू बना के राजू, दैट्स ऑल, बाय गाइस, सी यू। Thank you.